उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्रदेश सरकार ने सीतापुर यूपी 100 को 28 मोटरसाइकिलें दी। आपको बता दें कि यूपी 100 परियोजना पूरे प्रदेश में दिसंबर 2016 से प्रारंभ की गई थी, जिसमें सर्वप्रथम चार पहिया गाड़ियों का संचालन किया गया। चार पहिया कुछ स्थानों पर नहीं पहुंच सकती, जिससे घटनास्थल पर पहुंचने में 15 से 20 मिनट से अधिक का समय लगता था। इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दो पहिया वाहनों का संचालन कराए जाने का निर्णय लिया। जनपद सीतापुर में इसी परियोजना में 28 दो पहिया वाहन दिए गए। सभी थानों को एक एक वाहन और कोतवाली नगर को दो दो वाहन उपलब्ध कराए गए। मोटरसाइकिल संचालन से संकरे रास्तों में यह गाड़ी आसानी से पहुंच सकती है और सूचनाओं पर कम से कम समय में पहुंचकर पुलिस सहायता प्रदान कर सकती है। प्रत्येक गाड़ी पर 8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। इन गाड़ियों में भी MDT मोबाइल फोन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। लगभग 28 बाइक्स थानों के लिए जो है रवाना की गई है, जिसमें सभी थानों पे और एक एक बाइक जो है अवेलेबल होगी। ऑलरेडी 54 फोर व्हीलर्स यूपी 100 के अंदर हमारे पास अवेलेबल थे, उसके एडिशन में 28 बाइक्स प्रोवाइड की गई है, जिससे पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ेगी, पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ेगी और इसके अलावा जो यूपी 100 का रिस्पांस टाइम है वो भी कम होने में इससे मदद मिलेगी। उद्देश्य यही है कि लोगों को कम से कम समय में प्रभावी मदद मिल पाए। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सीतापुर से तबस्सुम अंसारी की रिपोर्ट।